हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने विंडोज सिस्टम पे फ्लटर का सेटअप कैसे करें एंड्रॉयड स्टूडियो में। गाइस, एक एक स्टेप्स मैं प्रॉपरली बताने वाली हूँ, एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप एंड्रॉयड में कैसे प्रोजेक्ट बनाएं, फ्लटर प्रोजेक्ट, और उसको कैसे रन करें। तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना, डेफिनेटली आप फ्लटर का सेटअप अपने पीसी में कर लेंगे। तो गाइज, इसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने रहेंगे। वो स्टेप्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फ्लटर को डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्लटर SDK, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लटर का पाथ सेट कर देंगे एनवायरमेंटल वेरिएबल में। बाद में गाइस हम एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद एक रिक्वायरमेंट होता है कमांड लाइन टूल्स, जो कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके डाउनलोड करेंगे। उसके बाद गाइस हम कमांड प्रॉम्प्ट पे लाइसेंसेस एग्रीमेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे गाइस, हम फ्लटर के प्लगइन्स को एंड्रॉइड स्टूडियो में इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, और प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम वर्चुअल डिवाइस AVD भी बनाएंगे, ठीक है। तो ये है स्टेप्स, चलो करते हैं। तो मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है और सिंपली मैं यहां पे क्या टाइप करने वाली हूं, फ्लटर SDK। सो गाइज, ये आपको सर्च कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, docs.flutter.dev। इस वेबसाइट पे आप चले जाइए, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए इंस्टॉल फ्लटर पे, तो ये आपको इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, docs.flutter.dev वेबसाइट पे, ठीक है गाइज। अब उसके बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से टैब सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरा तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं इस टैब पे क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मुझे इस पेज पे ले जाता है जहां पे मुझे सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, डिस्क स्पेस कितना लगना चाहिए। तो अराउंड 1.64 GB का आपको स्पेस लगेगा, और उसके बाद विंडोज 10 और 11 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब गाइज, ये फ्लटर का कोई EXE नहीं आता, आपको ये zip फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्लटर विंडोज 3.10.5 स्टेबल, ये स्टेबल वर्जन है राइट नाउ। अगर आप मेरा वीडियो बाद में देखेंगे तो ये वर्जन शायद चेंज हो जाएगा, अभी फिलहाल यही वर्जन है, ओके। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस बटन पे क्लिक कर दो, तो ये क्या करेगा, ये आपका ये zip फाइल डाउनलोड कर लेगा। हार्डली टाइम लगता है, बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो डाउनलोड हो जाता है। गाइज, इस वीडियो में ना, या जो भी आप इंस्टॉल फ्लटर का सेटअप कर रहे हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, थ्रू आउट इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। हम बहुत सारे ID टूल्स प्लगइन डाउनलोड करने वाले हैं, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो आपका सेटअप फटाफट हो जाएगा। अब गाइज, मेरा zip फाइल डाउनलोड हो गया है, मैं क्या करूँगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगी। तो क्लिक कर दिया मैंने, अभी मुझे डाउनलोड्स फोल्डर में लेके चला गया। अब इसको मैं क्या करूंगी, एक्सट्रैक्ट करूंगी, राइट क्लिक कीजिए, विंडोज 11 में एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है। अब मैं ना इसको डाउनलोड फोल्डर में एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगी, मैं सी डायरेक्टरी में एक्सट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। तो मैं जस्ट ये डिलीट कर दे रही हूँ, और यहाँ पे C: लिख दिया है मैंने, और ये जो चेकमार्क है ना, मैं इसको चेक कर देती हूँ, जैसे कि जैसे ही एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा मुझे मेरे सी ड्राइव में लेके चला जाएगा। तो गाइज, अब एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक कर दिया है, ये एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो फाइल है ना, ये तो कॉम्प्रेस्ड है, zip फाइल है, तो थोड़ी सी थोड़ा कम स्पेस है ये, बट ये GB में है, तो ये थोड़ा सा टाइम ता है एक्सट्रैक्शन में। और गाइस, जैसे ही ये कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं मुझे ये क्या किया, मेरे फ्लटर के फोल्डर में लेके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, फ्लटर का फोल्डर है सी ड्राइव में। अब जिस सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए एक फोल्डर है बिन। अब इसको भी आपको क्या करना है, सिंपली बिन को क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये जो बिन वाला पाथ है ना, उसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। बट उसके पहले मैं आपको क्या करती हूँ, मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि देखो मुझे फ्लटर बता रहा है कमांड वर्क हो रहा है कि नहीं। तो ये तो मुझे बता रहा है कि नॉट रिकोगनाइज, क्योंकि मैंने बिन का पाथ है ना एनवायरमेंटल वेरिएबल में सेटअप नहीं किया है। तो चलो उस पाथ को सेटअप कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज कर देते हैं, और यहां पे क्या करेंगे, बिन वाले फोल्डर में जाएंगे गाइस। तो मैं सिंपली इस बिन के फोल्डर को सेलेक्ट करती हूं, और यहां पे ये टॉप में से मैं इस पाथ को कॉपी कर लूंगी, ठीक है। अब इस पाथ को कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, एनवायरमेंटल वेरिएबल में इस पाथ को सेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्च बॉक्स में सिंपली ENV टाइप कर देना पड़ेगा, और यहां पे आप देख सकते हैं ये एडिट द एनवायरमेंटल वेरिएबल बता रहा है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए,
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एडवांस टैब में एनवायरमेंटल वेरिएबल बटन को आपको क्लिक करना है। अब आपको ये इस विंडो पे लेके जाएगा जहाँ पे यूजर और सिस्टम वेरिएबल बता रहा है। मैं सिस्टम वेरिएबल में पाथ वेरिएबल सेलेक्ट कर लूंगी। सिस्टम वेरिएबल सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है और इस एडिट बटन पे क्लिक कर दूंगी। अब गाइस जो पाथ मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो न्यू बटन पे क्लिक कर दो और सिंपली क्या करो उसको पेस्ट कर दो। हो गया गाइस, ये पाथ बिन तक सेट हो गया। ओके कर दो गाइस, और फिर से एक बार ओके कर दो, और फिर से एक बार ओके कर दो। तीन बार आपको ओके बटन क्लिक करना है। तो अब पाथ तो सेट हो गया, अब चलो कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि अब मुझे फ्लटर कमांड रन करके बता रहा है कि फिर से वही एरर बता रहा है। तो चलो गाइज यहाँ पे सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करके फ्लटर टाइप कर दिया है। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे कोई एरर नहीं बता रहा है, बल्कि मुझे ये सारे अवेलेबल कमांड्स बता रहा है फ्लटर के। ठीक है, तो ये सारे फ्लटर के यूजफुल कमांड है। सबसे यूजफुल कमांड इसमें आपका फ्लटर डॉक्टर है, जो कि आपको असिस्ट करेगा कि आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो कंप्लीट हो चुकी है, प्री रिक्वायरमेंट या रिक्विजिट बोल सकते हैं, कंप्लीट हो चुकी है और क्या क्या पेंडिंग है। तो गाइस आप देख सकते हैं फ्लटर है मेरे पास, मैंने इंस्टॉल कर लिया, विंडोज भी है मेरे पास, क्रोम भी है, ये जिस पर टिकमार्क है वो सारा है मेरे पास, और मिसिंग क्या है वो बता रहा है। तो फ्लटर को ना आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड में भी रन कर सकते हैं और VS कोड में भी रन कर सकते हैं। ये मेरा वीडियो एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए है, तो मैं एंड्रॉयड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड और VS कोड के यहाँ एक्सक्लेमेशन बता रहा है और कुछ तो बता रहा है कि ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो ठीक है, अब जो मिसिंग है ना वो मैं इंस्टॉल करूंगी। कमांड लाइन टूल्स कंपोनेंट मिसिंग है, तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर लाइसेंसेस को एग्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कमांड लाइन टूल इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंड्रॉयड का आईडी चाहिए रहेगा। तो एंड्रॉयड का आईडी पहले मैं डाउनलोड करूंगी और फिर उसके बाद कमांड लाइन टूल्स को डाउनलोड करूंगी। तो चलो गाइस अब फिर से ब्राउजर ओपन करते हैं और यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेते हैं क्या एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, ये सर्च में आप देखिए ये जो वेबसाइट है, ये जो developer.android.com ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। अब गाइस ये क्या करेगा, आपको ये इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे भी आपको स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली हम इस डाउनलोड एंड्रॉयड फ्लेमिंगो पे क्लिक कर देंगे। अब लाइसेंस एंड एग्रीमेंट का पेज है, बिना एक्सेप्ट किए आगे नहीं बढ़ने देगा, तो आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फ्लेमिंगो पे क्लिक कर दीजिए। अब गाइस ये इसने क्या किया है, EXE डाउनलोड करना चालू कर दिया है। ठीक है, अब मेरा डाउनलोड तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रन कर देती हूँ सिंपली क्लिक करके। तो अब ये प्रोसेस जो है ये पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड का प्रोसेस, सॉरी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं बता रही हूँ। तो अभी गाइज ये क्या कर रहा है, ये मेरा सेटअप है एंड्रॉयड स्टूडियो का, सिंपली आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन बता रहा है ना एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस, अब जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना फ्लटर के प्रोजेक्ट, उसको कहीं पे तो रन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस चाहिए रहेगा अगर आप अपने एक्चुअल फोन पे नहीं रन करते हो। चेक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना गाइज। अब यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन लोकेशन बता रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो गाइज ये मैं डिफॉल्ट ही रख रही हूँ, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। आपको चेंज करना है तो कर देना और नेक्स्ट बटन पे सिंपली क्लिक कर देना। अब गाइज ये बता रहा है कि स्टार्ट मेनू में आपको एंड्रॉयड स्टूडियो मिल जाएगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दो। अब ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन चालू हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, AVD बनाएंगे। गाइज अभी ये कंप्लीट हो गया है, बता रहा है कंप्लीटेड, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, अब ये बता रहा है कि स्टार्ट द एंड्रॉयड स्टूडियो, यस भाई स्टार्ट करो, हमको तो अभी इसकी जरूरत है, तो स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ तो बता रहा है कि हेल्प इंप्रूव एंड्रॉयड स्टूडियो, डोंट सेंड पे क्लिक कर देना। ओके गाइस ये स्टार्ट हो गया आपका एंड्रॉयड स्टूडियो। अब मैं ले जाती हूँ आपको कमांड लाइन टूल्स पे फिर से और फ्लटर डॉक्टर कमांड टाइप कर देंगे। तो अब गाइस अभी तक मेरा एरर रिजॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मैंने कमांड
हेडलाइन टूल्स इंस्टॉल ही नहीं किया है, उसके लिए तो मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए। तो अब एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो गया है, अब जाते हैं ये वाला स्टेप कंप्लीट करते हैं, कमांड लाइन टूल्स कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, एक 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 करके हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना, आप सक्सेसफुली सेटअप कर लोगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को। ठीक है, अब यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये 3 डॉट्स है, इस पर क्लिक कर दो और SDK मैनेजर पे क्लिक कर दो। अब ये क्या करेगा, आपको ये विंडो बताएगा, अब यहाँ पे आपको किस पे जाना है, SDK टूल्स। और गाइज अगर आपको नहीं दिख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस तो आप इस पे चेक कर देना, हाइड ऑब्सोल्यूट पैकेज पे। तो यहाँ पे SDK टूल पे जाने के बाद ना गाइज आपको क्या करना है, इस को सेलेक्ट करना है, चेक मार्क करना है, एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल्स। और ये जो डाउनलोड बटन है ना, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये देखो बता रहा है डाउनलोड बटन, सिंपली सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो। ये बता दिया, ओके कर दिया हमने और SDK इंस्टॉलर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत छोटी सी फाइल थी, कंप्लीट हो गया, फिनिश बटन पे क्लिक कर दो गाइस। अब जाते हैं फिर से फ्लटर डॉक्टर चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये एरर गया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं गाइस मेरा ये एरर तो चला गया है, है ना। एंड्रॉइड स्टूडियो में मेरे पास 2 एरर थे, अब एक तो चला गया है। अब एक बता रहा है कि लाइसेंसेस और एग्रीमेंट को, लाइसेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चलो कोई बात नहीं, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं जो यहां पे दिखा है, कि इस कमांड को आप रन कर दो लाइसेंस एग्रीमेंट करने के लिए। मैंने Ctrl+C करके Ctrl+V कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर देती हूँ, अब हिट एंटर हिट करती हूँ गाइज। और यहाँ पे आप देखिए 5 of 7, तो हमको 5 लाइसेंसेस एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। जब भी वो आपको पूछेगा वाई की प्रेस करते जाइए, एक्सेप्ट येस, एक्सेप्ट येस करते जाइए, ऐसा आपको टोटल 5 टाइम्स पूछने वाला है, येस एक्सेप्ट येस ओके एक्सेप्ट येस। तो गाइज ये हो गया, अब बता रहा है ऑल SDK पैकेज लाइसेंस एक्सेप्टेड, डन गाइज। फिर से फ्लटर डॉक्टर रन कर देते हैं, अब देखते हैं मेरा एरर चला गया है कि नहीं चला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस मेरे एरर चले गए हैं, अब सिर्फ VS कोड का एरर बता रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और अब एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके हम क्या करेंगे, सिंपली प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। फ्लटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको प्लगइन्स की ज़रूरत रहती है, क्या प्लगइन्स इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो चलो जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कोई फ्लटर प्रोजेक्ट का बटन नहीं दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेंगे, तब वो हमको ऑप्शन या बटन दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मुझे प्रोजेक्ट कस्टमाइज प्लगइन करके ऑप्शन है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, मैं इस प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे चली जाऊँगी। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, और क्या सर्च करना है, फ्लटर, ओके। तो आप जैसे ही फ्लटर सर्च करेंगे, ये वाला जो रिजल्ट है ना, आपको ये वाला रिजल्ट लेना है, पहला वाला रिजल्ट, ठीक है, फ्लटर डॉट डेव वाला, और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। फ्लटर के साथ आपका डार्ट भी इंस्टॉल हो जाता है, आपको उसको सेपरेटली नहीं इंस्टॉल करना है। अगर आप फ्लटर इंस्टॉल करते हैं तो डार्ट प्लगइन्स भी इंस्टॉल हो जाता है। तो गाइज सिंपली इस इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो, एक्सेप्ट कर दो थर्ड पार्टी लाइसेंस। यहाँ पे बता रहा है कि डार्ट भी इंस्टॉल होगा, येस भाई इंस्टॉल कर दो, सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए गाइज। अभी इसने क्या किया, अब फ्लटर प्लगइन और डार्ट प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। अब गाइस हमको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा आईडी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो चलो रीस्टार्ट कर देते हैं, रीस्टार्ट आईडी बटन पे क्लिक कर दो, हाँ भाई रीस्टार्ट करो, इस बटन पे भी क्लिक कर दिया। अब मेरा आईडी रीस्टार्ट हो गया, एंड गाइज आप देख सकते हैं अब यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन आ गया है, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, तो अब फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है तो आप न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये आपको बहुत सारे ऑप्शन बता रहा है, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट, और उसके बाद एंड्रॉयड, फ्लटर, डार्ट। तो हम इसमें से फ्लटर वाला ऑप्शन लेंगे। अब गाइज यहाँ पे आपको फ्लटर SDK पाथ बताना पड़ेगा, जो भी फ्लटर आपने सी ड्राइव में डाउनलोड किया है ना, उसका पाथ बताना पड़ेगा। तो आपको बिन तक नहीं बताना है, सिर्फ आपको फ्लटर तक बताना है। तो मेरा पाथ क्या है, C:Flutter, मैं सिंपली इस पाथ को क्या करूँगी, वहाँ पे पेस्ट कर दूंगी या टाइप कर दूंगी C:Flutter। ठीक है, ये मेरे SDK का पाथ है। तो गाइस चलो जाते हैं फिर से एंड्रॉयड स्टूडियो में और इस पाथ को क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस पाथ को पेस्ट कर दोगे, अब उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो
जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको थोड़े से प्रोजेक्ट के डिटेल्स डालने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट नेम डाल देना है, तो प्रोजेक्ट नेम मैंने डाल दिया डेमो प्रोजेक्ट करके। और गाइज उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो प्रोजेक्ट का लोकेशन है, तो ये तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, आपको चेंज करना है तो इस डॉट्स पर क्लिक कर दो। तो मैंने क्लिक कर दिया है और मैं डी ड्राइव में मेरा सी एस कॉर्नर करके एक फोल्डर है उसमें मैं मेरे इस प्रोजेक्ट को सेव करूँगी। तो सी एस कॉर्नर सेलेक्ट करके मैंने ओके बटन क्लिक कर दिया है। अब जो नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, आपको चेंज करना है तो आप सिंपली चेंज कर दीजिए। और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप बता रहा है, प्रोजेक्ट टाइप में क्या है, प्लगइन्स, पैकेज, मॉड्यूल, तो मैं एप्लीकेशन लेने वाली हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन डालना है, आप डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, मैंने मेरा com.cs कॉर्नर डाल दिया है। उसके बाद गाइज एंड्रॉयड लैंग्वेज होने वाला है कॉटलिन और iOS लैंग्वेज होने वाला है स्विफ्ट, ओके। और प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी चेक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड्रॉइड, iOS, लिनक्स, मैक, वेब और विंडोज, ये सारे प्लेटफॉर्म हमारे क्या हैं, चेक्ड हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं प्रोजेक्ट बनाने वाली हूँ एंड्रॉइड के लिए, वेब के लिए और iOS के लिए, तो मैंने ये तीनों चेक कर दिया है, ठीक है। मैं मैक और लिनक्स के लिए नहीं बनाऊंगी और क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगी। अब गाइस जैसे ही आप क्रिएट बटन क्लिक करेंगे ना, तो आपके आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। और प्रोजेक्ट कौन कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बन जाएगा वो भी आप देख सकते हैं, एंड्रॉइड के लिए भी बन जाएगा, iOS के लिए बन जाएगा और वेब के लिए भी बन जाएगा। तो गाइज आप देख लीजिए, यहाँ पे बता रहा है एंड्रॉइड, इसका फोल्डर बता रहा है, iOS का फोल्डर बता रहा है, ठीक है, और वेब का भी फोल्डर बता रहा है, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुली बन गया है। अब यहाँ पे एक कोड है गाइस, dart.main, ये जो dart.main कोड है, इस कोड के अंदर एक्चुअली मैं पूरा कोड नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कैसे बनाते हैं, आगे चल के हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो ये जो कोड है ना, ये कोड सिंपली क्या है, आप इसको रन करेंगे तो आपको एक पुश बटन मिलेगा, एक जिसको आप क्लिक कर सकते हैं, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होके शो होगी। तो ये कोड लिखा है इस प्रोजेक्ट में, main.dart के प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो हम इसी कोड को रन करेंगे, डिफॉल्ट कोड को रन करेंगे। और कहाँ पे रन करेंगे, एक बार अपने वेब पे रन करेंगे और एक बार एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस पे भी रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता रहा है नो डिवाइस सेलेक्टेड और यहाँ पे main.dart, तो मुझे जहाँ पे रन करना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी। तो फिलहाल मैंने तो कोई वर्चुअल डिवाइस बनाया नहीं है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, क्रोम वेब पे रन करके बताती हूँ। बाद में आप वर्चुअल डिवाइस सेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका वर्चुअल डिवाइस भी ये बताने लगेगा, ठीक है। तो आप क्रोम वेब सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आप एच बी सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस आपको सिंपली क्या करना है, इस प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपका जो भी कोड है इसको कहां पे रन करके बताएगा, आपके वेब पे, और वो भी कौन से ब्राउजर पे, क्रोम, क्योंकि मैंने वही लिया है। अब यहां पे ये बता रहा है कि लॉन्चिंग main.dart ऑन क्रोम, ठीक है। ये थोड़ा सा सिंस पहली बार रन कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लिया। और गाइज आप देख सकते हैं मेरा पेज ओपन हो रहा है, लोकल होस्ट, एक पोर्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है और फ्लटर डेमो पेज, ये डेमो पेज ओपन हो गया। और यहाँ पे पुश वैल्यू 0 बता रही है। और गाइज यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में आप देखिए ये बटन दिख रहा है, इस बटन को हम जितनी बार क्लिक करेंगे ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होके शो होगी, ठीक है। तो ये है ये प्रोजेक्ट। तो गाइज आपने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को वेब पे रन कर लिया। अब इसी प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, इसी प्रोजेक्ट को रन करेंगे एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस पे, ठीक है। आप अपना रियल फोन भी कनेक्ट करके कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मैंने वर्चुअल डिवाइसेस के थ्रू रन करके बनाया है। तो चलो अब एवीडी बनाते हैं। एवीडी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस मैनेजर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे बता रहा है, ये डिवाइस मैनेजर है, या तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करेंगे और डिवाइस बनाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्या बता रहा है, कैटेगरीज बता रहा है आपको डिवाइस किसके लिए बनाना है। तो मुझे फोन के लिए बनाना है और यहाँ पे गाइस ये हार्डवेयर्स बता रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या रिजोल्यूशन चाहिए, क्या साइज चाहिए। तो मैंने पिक्सेल 6 ले लिया है। अब उसके बाद सिस्टम इमेजेस चाहिए, मतलब कौन सा एंड्रॉइड होगा इस वर्चुअल डिवाइस पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका रियल फोन आप समझ सकते हैं, बट रियल नहीं है, वर्चुअल है जो पीसी में रन होगा। यहां से हम एक सेलेक्ट करेंगे, यहां पे मैंने क्या सेलेक्ट किया है, आर सेलेक्ट कर लिया है गाइस। अब सिंपली
सिंपली उस पर क्लिक कर दिया है मैंने। अब ये क्या किया कर रहा है, मेरा SDK को डाउनलोड कर रहा है। अब हो गया मेरा डाउनलोड, फिनिश बटन कर दिया है। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये डाउनलोड का एरो चला गया है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो गाइज। अब ये AVD का नाम पूछ रहा है, मैं तो सिंपली डिफॉल्ट ही दे रही हूँ, Pixel 6 API। और ये ओरिएंटेशन है तो पोर्ट्रेट ही रखना है, वर्टिकल में ही देखना है हमको आउटपुट, और फिनिश बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है गाइज, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइसेस में अब मुझे Pixel 6 API 30 जो डिवाइस का मेरा नाम है बता रहा है। अब इसको मैं क्या करती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ। ये स्टार्ट किया है तो इस पर आपका प्रोजेक्ट नहीं रन हो रहा है, मैं आपको सिर्फ मेरी वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट करके बता रही हूँ कि वो कैसा दिखता है और क्या है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। बाद में हम इसी डिवाइस पे क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट भी रन करेंगे। तो देखो गाइस नीचे मेरा रनिंग डिवाइसेस, ये देखो आपका वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट हो रहा है। मैं इस डिवाइस मैनेजर को क्लिक करके आपको थोड़ा सा बड़ा साइज में दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है। और गाइज अब यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे पहले नो डिवाइसेस बता रहा है उस ऑप्शन में जाके आप देखेंगे तो आपका डिवाइस नेम भी बता रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका डिवाइस जस्ट लॉन्च हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे प्रोग्राम को मैं इस डिवाइस पे रन कर लूँगी, राइट। तो अब यहाँ पे आप चले जाइए फिर से जहाँ से आपने डिवाइस सेलेक्ट किया था फ्लटर डिवाइस सेलेक्शन में, अब अपने डिवाइस को सेलेक्ट कर लो। तो हमने क्या बनाया है, Pixel 6 API वाला बनाया है, उसको सेलेक्ट कर लो गाइस और इस बटन पे क्लिक कर दो। सिंपली इस प्ले बटन पे क्लिक कर देना। अब सिंस आप पहली बार रन कर रहे हैं तो ये आपका APK इंस्टॉलेशन सब होने में टाइम लगता है, ग्रेडल बिल्ड होने में टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए गाइस, आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली रन होगा अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि APK इंस्टॉल हो गया है, सिंक हो गया है फाइल, और गाइस आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस पे भी मेरा आउटपुट दिखा रहा है, वही आउटपुट जो हमने वेब पे देखा था। एक बटन है, आप ये प्लस माइनस करके ना आप इंक्रीज कर सकते हैं आपके मोबाइल का साइज। इस प्लस पे मैंने क्लिक करते गई तो देखो मेरा 4 तक वैल्यू पहुंच गया है ना, जो कोड है डिफॉल्ट कोड वही रन हो रहा है। तो गाइज आपने क्या किया, आपने अपने प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड फोन पे भी रन कर लिया। ऐसे ही आप iOS पे भी रन कर सकते हैं, उसकी सेटिंग थोड़ी अलग होगी। तो गाइस अगर मेरे वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में श्योरली डालना, मैं सब कमेंट्स रीड करती हूँ, ठीक है। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। और आप क्या करें, अब अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, जैसे कि वो भी फ्लटर के प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दें। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।